नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शुरुआत करते हैं खबरों की। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री और ड्राइवर की मारपीट का वीडियो सामने आया है। जानकारी के मुताबिक एक कार्यक्रम में मंत्री को उतार कर गाड़ी बैक कहे ड्राइवर की मंत्री से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद ड्राइवर ने मंत्री के साथ मारपीट शुरू कर दी। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वही आगरा में लुटेरी दुल्हन का मथुरा जिले के कुछ लोग शिकार हो रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 24 तारीख की रात को कालंदी विहार के होटल में शादी हुई थी। वही शादी के बाद रात 3 बजे पक्ष में बहू को अपने साथ अलीगढ़ लेके आए, जहां कोर्ट में सुबह विवाह का रजिस्ट्रेशन होना था, लेकिन उससे पहले ही दुल्हन कोर्ट के बाथरूम से रफू चक्कर हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। हमारे पास एक प्रूफ भी है। कितने बजे करीब हुई थी ये? जी हुई है करीब मानो 11:30 बजे। तो होटल में रूम में हुई थी या हॉल में हुई? हॉल में हुई थी। हॉल में रूम में इनकी पार्टी रुकी हुई थी। करीब 4-5 लड़के थे, 4-5 औरतें थी, जिन्होंने 2-3 शादी किए हैं। अच्छा, 2-3 शादी और भी की है, उन्होंने ये कर रहे हैं शादी आदि। ठीक है, उन्होंने क्या बताया था जो फ्रॉड था कि ये होटल मेरा है, वीरपाल मेरे साले का है, मेरा साले का है। 24 तारीख को शादी हुई और मतलब बंटी, संजय और वीरपाल। कहाँ पे हुई शादी? एक लेडी शीतल, शीतल लेडी। कहाँ पे शादी हुई? या हॉल में हुई थी। कौन सा होटल है? त्यागराज के हॉल में। हाँ, त्यागराज के हॉल में। हाँ। अच्छा, अब क्या हुआ उसके बाद? फिर शादी हो गई रात को, बढ़िया 3 बजे अपने गांव चले गए। गांव जाके फिर सवेरे अपने अलीगढ़ कोर्ट में आई। वही गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर का आरोपी मुठभेड़ में घायल हो गया। बता दें, आरोपी ने असलाह छीनकर पुलिस टीम पर हमला करने का प्रयास किया था। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के घुटने में गोली लग गई। वहीं आरोपी युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। जी, इसमें रात्रि में अभियुक्त को पुलिस आला कतल बरामदगी के लिए ले गई थी, जहाँ पर कि इसने पुलिस का शस्त्र छीनकर फायर किया पुलिस पर। जवाबी कार्यवाही में इसे गोली लगी है और इसे अभी ऑपरेशन के लिए BRD मेडिकल कॉलेज में ले जाया जा रहा है। ऑपरेशन के पश्चात जो भी स्थिति होती है उसके बाद में इसमें आगे कार्यवाही की जाएगी। ऐसा अभी तक कोई पुराना आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। फिलहाल पुलिस इसमें सभी पहलुओं की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जा रही है। इसमें जो युवक है और जो मृतका युवती है, उसके बीच में कुछ प्रेम प्रसंग की बात सामने आ रही थी, जिसको कि युवती ने इनकार कर दिया था इस युवक को। हरदोई में SP ने बलवा ड्रिल का प्रशिक्षण किया और अभ्यास किया। इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिसकर्मियों से दंगाई भिड़े। वहीं आक्रामक दंगाइयों से हमले के कुछ जवान पीछे हटे, फिर अपनी ताकत दिखाई। कोई अनऑर्डर सिचुएशन पैदा होती है जहां लोग आमादा होते हैं, उतारू होते हैं, बवाल कर रहे होते हैं, वहाँ पुलिस एक सेट ड्रिल के तहत कार्रवाई करती है। IPC CRPC पुलिस रेगुलेशन में जो प्रावधान दिए गए हैं उसी के अनुसार ही कार्रवाई करती है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा। यहाँ पर पहले उनको समझाया बुझाया जाता है, एक आंसू गैस फेंके जाते हैं, फायर टेंडर का यूज़ किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, और फिर भी नहीं मानते हैं तो सक्षम जो भी वहाँ पर उपलब्ध है प्रशासनिक अधिकारी, उससे अनुमति लेकर के फायर किया जाता है। फायर करने के बाद भी कार्रवाई होती है। जो घायल होते हैं, जो मृत होते हैं, उनको जैसे ही तुरंत या तो अगर घायल है तो अस्पताल ले आया जाता है और मृतकों को वहाँ से अलग हटाया जाता है। ये सब कार्रवाइयाँ आपने देखी, अभी इसमें और गुंजाइश है जिसको हम लोग और अच्छा करेंगे। वही कन्नौज में मोरंग लदा डंपर अनियंत्रित होकर पुल से टकरा गया। बता दें, वही जोरदार टक्कर में कई पुल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने डंपर चालक को हिरासत में ले लिया है। वही लखनऊ में ADG कानून व्यवस्था प्रशांत किशोर का वीडियो सामने आया। बता दें कि ADG ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी त्यौहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाता है, साथ ही लाउडस्पीकर को लेकर शासन को सख्त निर्देश भी दिए। शासन और DGP मुख्यालय के जो निर्देश हैं इस बारे में स्पष्ट हैं कि कोई भी त्यौहार हो उसको अपने परंपरागत तरीके से मनाया जाना है। और इस संबंध में अभी आपने देखा होगा कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो ध्वनि या जो आवाज़ इत्यादि के बारे में भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि उसमें माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन हो। इन सभी चीज़ों को रखते हुए और
अलविदा की नमाज तथा इसके पहले जो अन्य धर्मों के भी त्यौहार हुए हैं उसके अनुपालन में लगभग 37,344 धर्मगुरुओं से हम लोगों की वार्ता हो गई है। कुछ धर्मगुरुओं से वार्ता होनी शेष है तथा लगभग हम लोग 125 लाउड स्पीकर हम लोगों ने उतरवा लिए हैं। वहीं लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं दूर दराज से आए लोगों ने अपनी फरियाद और समस्याएं सीएम के सामने रखी। वहीं इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को समस्याओं का निस्तारण करने के आदेश भी दिए। वहीं रायबरेली में जिला प्रशासन की तरफ से किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बता दें यहां आग लगने के कारण नष्ट हुए गेहूं के फसल का मुआवजा दिलवाने के लिए जांच शुरू करा दी गई है। जिलाधिकारी के मुताबिक आग लगने के कारणों के आधार पर अलग अलग विभागों से मुआवजा दिलवाने के प्रावधान है। यही वजह है कि तहसील कर्मियों को आग लगने के कारणों का पता लगने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रकरण कुछ जगहों पर ऐसे संज्ञान में आए हैं जिसमें खेत में आग लग जाने के कारण या फसल अवशेष में आग लग जाने के कारण खेत में आग लगी है और उसमें फिर तुरंत हम लोग ने दमकल के मदद से उनको आग बुझाने का काम और फिर तहसील के जो टीम है, रेवेन्यू की टीम है, कृषि विभाग की टीम है, इनके माध्यम से उसका एक सर्वे कि अगर फसल का नुकसान हुआ हो तो कितना हुआ है, क्या नुकसान है और उसके आधार पे फिर विभिन्न विभागों से जो दे मदद है, राहत की जो धनराशि उनको मिल सकती है वो दिलाने का काम किया जा रहा है। तो अगर इसमें बिजली विभाग से दे धन सहायता है तो बिजली विभाग के माध्यम से और अगर मंडी से मिलना है तो मंडी से, इस प्रकार से ये काम किया जा रहा है। वहीं रायबरेली के तहसील क्षेत्र के एक लेखपाल का वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें जिसमें गांव के बीच बैठकर लेखपाल सिगरेट की कश मार रहा है और लोगों के बीच सरेआम कह रहा है कि अगर 5 लाख का लाभ लेना हो तो 50,000 तो देना ही पड़ेगा। वही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। तेज आंधी में पेड़ गिरने से 28 साल की महिला की मौत हो गई। बता दें महिला शादी में शामिल होने आई थी। वही देर रात आंधी तूफान में महिला फंस गई। इसी बीच तेज आंधी से कई जगह बिजली के खंभे भी उखड़ गए जिसमें एक दर्जन मवेशी घायल हो गए। वहीं महिला की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। वही अलीगढ़ के गांधी पार्क थाना क्षेत्र में बीते एक वर्ष पहले पुलिस महकमे में तैनात हुए एक सिपाही का होटल में शव मिला था। वही एक साल से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला, जिससे नाराज परिजनों ने एसएसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर चस्पा किया जिसमें लिखा है कि उसकी हत्या का खुलासा करो, हत्यारों को फांसी की सजा दिलाओ। मृतक सिपाही के भाई महेश चहरा ने बताया कि हमने ये दिखाना चाहते हैं कि जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमको मिले और जो गुनहगार है उसे अरेस्ट कर कोई पुलिस वाला हो या सिविलियन हो उसे जेल भेजा जाए। कहाँ तैनात थे? ये कंट्रोल रूम में तैनात थे, अलीगढ़। हाँ, ऑन ड्यूटी थे। इसकी हत्या कर दी गई है। इसकी हत्या बॉडी मिली है हमें रॉयल क्लास के होटल में। तो इस यहाँ पर मतलब जो रॉयल क्लास के होटल में बॉडी मिली है जिस स्थिति में मिली थी उससे जाहिर होता है वो इसकी हत्या हुई है। कब की घटना है ये? 8 मार्च 2021 की। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद में कुछ नहीं वो हुआ है। इन्होंने हत्या करके फिर इन्होंने कोई ताती नहीं की है, न कुछ हमें न्याय मिला है, न कुछ मिला है अभी तक। घटना को एक साल से ज़्यादा हो गया। एक साल से ज़्यादा। अभी क्या चाहते हैं? आपने पोस्टर चस्पा किया है, क्या दिखाना चाहते हैं इससे? हम ये दिखाना चाहते हैं जो हमारी सुविधाएं हैं वो हमारी पूरी हो जाएं, जो गुनहगार हैं उन्हें अरेस्ट करके बर्खास्त करके, या पुलिस वाला हो या सिविलियन हो कोई भी हो, इसको वो करके उन्हें जेल भेज दिया जाए, फांसी की सजा चाहते हैं हम। अच्छा, इस मामले में आपकी तरफ से कोई मुकदमा भी दर्ज हुआ था? मुकदमा हमारा अभी तक FIR नहीं ली गई थी और ली गई है तो 306 में ली गई है। वही बरेली के सर्किट हाउस में आज मीटिंग हुई। बता दें मीटिंग में विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष संजय लाठूर सर्किट में मौजूद रहे। वही संजय लाठूर के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद रहे।
वहीं लक्सर के एसडीएम संगीता कन्नौजिया के वाहन को सुलानी पुल के पास पड़े कैंटर वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। बता दें टक्कर से एसडीएम का सरकारी वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसमें उनके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एसडीएम भी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अचानक ये पुल के पास में डेंट है, ट्रक से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और एडीएम साहिबा को हमने हॉस्पिटल भेज दिया है और उनके चालक की मृत्यु। वहीं लक्सर में उप जिलाधिकारी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उप जिलाधिकारी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत की, कोविड का मामले की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि कोविड का मामला एनसीआर से लखनऊ में बढ़े हुए हैं। स्कूल में कुछ केस ऐसे मिले हैं जो टीका के अनुमोन्य है। बच्चों को उनके लिए डीवाईसी और प्रिंसिपल से अधिक बच्चों को टीकाकरण कराए जाने की बात कही। पूरी तैयारी को लेकर कोरोना को लेकर उन्होंने जानकारी दी। कोविड के मामले एनसीआर सहित लखनऊ में बढ़े हैं और खास बात देखने में इस बार आई है कि बच्चों के स्कूलों में इस बात की मतलब चिंता व्यक्त की जा रही है कि बच्चों में स्कूलों में कोरोना के केसेस एक दो लखनऊ में आए हैं। सरकार पूरी तरह से सतर्क है। बच्चे जो अनुमन्य हैं उनके लिए टीकाकरण के लिए DIOS और सभी स्कूल के प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया गया है और चिकित्सा अधिकारियों को कहा गया है कि जो भी बच्चे अनुमन्य हैं उनको तत्काल टीकाकरण करें और कहीं यदि कोरोना की सूचना मिलती है तो उसको ट्रेस करके उसके आसपास के संपर्क के लोगों की जांच करके उनको आइसोलेट करें। यदि आवश्यकता पड़ती है तो उनको अस्पताल में भर्ती करें। वहीं मुरादाबाद में सपा के एक और बड़े नेता की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बता दें कि आजम खान के करीबी सपा नेता यूसुफ मलिक पर NSA की कार्रवाई हुई है। जानकारी के मुताबिक रामपुर जेल में बंद है सपा नेता यूसुफ मलिक। वहीं सपा नेता पर आरोप है कि उसने नगर निगम कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों को धमकी दी थी। आज मुकदमा संख्या 219/22 में अभियुक्त यूसुफ मलिक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई हुई है। बताना यह है कि 26/3/2022 में इन्होंने नगर निगम कार्यालय में जाके महिला अधिकार से बदतमीजी करी थी और वहां पे बवाल करने का प्रयास किया था। नगर निगम के अधिकारियों को वहां पे लॉ ऑर्डर कराने की धमकी दी थी और वहाँ पे पूरा इन्होंने लॉ ऑर्डर की समस्या भी क्रिएट करी थी। इस मामले में ही इनका NSA पे आज कार्रवाई। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।